साथियों आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारे से चैनल एल टू भैया पर। देखेंगे अजीज साथियों, फोकानिया एंड मौलवी की जो परीक्षा 2023 में होनी थी, जैसा कि आपको पता है दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ डेट ही बढ़ाया जा रहा है परीक्षा फॉर्म भरने का। तो इन्हीं को लेकर एक चीज़ हमने कोशिश किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इंशाल्लाह आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि अब जारी होगा परीक्षा डेट, वो कैसे, तो ऐसे नहीं तो ऐसे तो ज़रूर जारी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अजीज साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अजीज साथियों, एल2 भैया ने आप सभी के हित में, जी हाँ बिल्कुल, आप सभी को अपना ख़ास स्टूडेंट समझा है और समझा ही नहीं बिल्कुल समझता ही रहेगा, चाहे फोकानिया के स्टूडेंट हो, चाहे मौलवी, चाहे आलिम या फाजिल। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है आप सभी को इस चैनल पर हर तरह की हर चीज़ तैयारी करवाता हूँ, इसीलिए अजीज साथियों मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के हित में कुछ फ़ैसला लूँ। तो देखेंगे अजीज तलबा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये लेटर है। जी हाँ, मैं अपने चैनल के द्वारा इस लेटर को जारी किया हूं और अजीज साथियों इस लेटर को बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार तक पहुंचाने की काम कर रहा हूं। जी हां, यहां पर देखिए सबसे पहला चीज़ इनको आप समझ लीजिए, इस लेटर को बनाने का मकसद है कि मदरसा बोर्ड जो है दिन ब दिन बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो ये कैसे संभव हो पाएगा। यहाँ पर देखिए हमने एक लेटर लिखा है एल2 भैया ने जनाब बिहार के मुख्यमंत्री को, इस लेटर को हमने आज के आज भेज भी दिया हूँ डाक के थ्रू। यहाँ पर देखिए, सेवा में श्रीमान जनाब नीतीश कुमार साहब मुख्यमंत्री बिहार, विषय में हमने दिया है कि मदरसा बोर्ड के द्वारा 6 महीना सेशन पहले ही लेट है और फोकानिया मौलवी का एग्जाम डेट न जारी करने के संबंध में। उसके बाद देखेंगे अजीज साथियों इस लेटर को पूरा पढ़िए। यहाँ पर देखिए, महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं एल2 भैया, जो कि बिहार का एक यूट्यूब चैनल जिस पर मदरसा बोर्ड के सभी तलबा का, चाहे फोकानिया हो, चाहे मौलवी एग्जाम, चाहे आलिम हो या फाजिल, सभी की तैयारी भी करवाता हूँ। आपसे हमारी निवेदन है कि मदरसा बोर्ड में फोकानिया और मौलवी की परीक्षा जनवरी महीने में लिया जाता था और जो 2023 में जनवरी में ही होना था, लेकिन अभी फ़िलहाल मई का माह चल रहा है और मदरसा बोर्ड दिन ब दिन केवल और केवल कभी रजिस्ट्रेशन का डेट को बढ़ाता है तो कभी परीक्षा फॉर्म की डेट को बढ़ाता है। इसी तरह करते करते 5 महीना सेशन लेट कर दिया गया, बच्चे सभी परेशान हैं, मदरसा बोर्ड अभी तक फोकानिया और मौलवी की डेट जारी नहीं कर रहा है। उसके बाद देखेंगे लास्ट में हमने कहा, कहते हैं श्रीमान से आग्रह है कि हमारी उपर्युक्त बातों पर ध्यान देते हुए बच्चों के हित में कुछ फैसला लेने की कोशिश करें, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। हस्ताक्षर यहाँ पर जैसा कि आपको पता है आपके आरजू सर और ये मेरा चैनल का लोगो। जी हाँ, देखेंगे अजीज साथियों इस लेटर को जारी करने का और भेजने का मेरा मकसद ये है कि आप सभी का जो दिन ब दिन, यानी कि जैसे ही परीक्षा फॉर्म का डेट समाप्त होता है फिर परीक्षा फॉर्म का ही डेट बढ़ा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि सब दिन मदरसा बोर्ड परीक्षा डेट को ही बढ़ाता, सॉरी परीक्षा फॉर्म डेट को ही बढ़ाता रहेगा, तो क्या बच्चे परेशान नहीं होंगे? यहाँ पर 6-6 महीना आप सेशन को लेट कर दिए हैं तो ये कैसे हो पाएगा? तो इसी को देखते हुए अजीज साथियों अब कोई उपाय नहीं सोचा हमने, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, जिसके वजह से हमने बिहार के मुख्यमंत्री जनाब सीएम नीतीश कुमार साहब को हमने इस लेटर को भेज दिया। जी हाँ, डाक के थ्रू। और आप सभी से रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बड़े अहदेदार हैं, चाहे मुस्लिम घराने में हो चाहे फिर गैर कौम में हो, तो उन तक इस वीडियो पहुँचेगी और आप सभी के बच्चों का दर्द जो है मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए अजीज साथियों, और आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, केवल हमें ही सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं संभव है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो हमने लेटर भेजा क्या अच्छा किया या नहीं। अगर अच्छा किया हो तो यस ज़रूर लिखिएगा अजीज साथियों, और एक लाइक आप ज़रूर दे दीजिएगा इस एल2 भैया के लिए। चलिए अजीज साथियों, अब देखते हैं इस लेटर का क्या उधर से जवाब मिलता है, उनके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।